गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। इट इज़ 8:30 इन द मॉर्निंग एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। आज योगा करने का मन किया, सो आई वाज डूइंग योगा, सूर्य नमस्कार एंड वॉकिंग। मतलब थोड़ा लेट हो गया इसलिए शाम को जाऊंगी। एंड मम्मी का भी कल व्रत था, सो शी वाज टायर्ड, शी वाज एग्जॉस्टेड, सो आई कुडंट गो दिस मॉर्निंग। इसीलिए मैंने सोचा कि योगा कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं रामदेव बाबा हूँ, उनकी वीडियो ही देख के मैंने की थी अभी, तो पूरी फील में चली गई। फील लाइक रामदेव बाबा की शिष्य हूँ मैं, ऐसे वाइब में कर रही थी। सो डन फॉर द डे, लेट्स गो मीट मी नाउ। मेरे 5 सूर्य नमस्कार किए, प्राणायाम किया थोड़ा एंड अनुलोम विलोम किया, बस ज़्यादा नहीं करना चाहिए फर्स्ट डे पे। सो हम गोइंग डाउन और शायद ड्यूटी मेरा वेट कर रही होगी, लेट्स सी इफ शी इज़ देयर और नो। शायद अंदर चली गई होगी, नहीं होगी वो। हाय ड्यूटी, तो सूर्य नमस्कार तो करके आ गए हैं। नाउ आई हैव दिस एंड दैट्स माय डैड। सो काफ़ी बड़ा नारियल है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है पानी इसमें, तभी से पी रही हूँ। Finally, चक्कू खुल जाई। हाँ, मलाई बहुत अच्छी है, सो स्पून ये मलाई है, थोड़ी पतली पतली है। एंड इधर नाश्ता बन रहा है। एंड आधा घंटा हो गया, मैंने टेंडर कोकोनट पिए हुए हैं। देयर इज माय ब्रेकफास्ट, गरम वापस गरम गरम करके दिया है मम्मी ने। क्या ये उपेट उपमा खारी, ये वीट की खारी है एंड पोहा। सो या तो मम्मी अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ये बैडमिंटन के लिए लेडीज प्लस कब दे ऐसे पूछने के लिए, टाइमिंग्स पूछने के लिए, टाइमिंग्स पूछने के लिए वे गोइंग इन हियर। क्लोज्ड हाँ, पूछो ना खाना। एक्सक्यूज मी, जाना उन्हें कहीं है, अंधेरा है बहुत इधर। दिस इज द कोर्ट, लाइटें नहीं लगी हुई है। आई लव बैडमिंटन, सो टाइमिंग्स पूछने के लिए जा रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे रहते हैं, 11 तक। सो फ्लैश ऑन करने पर भी नहीं दिख रहा है ढंग से, बट स्टिल इट्स 11:33। सो या हमने पूछ लिया है और हम जा रहे हैं अभी बाहर। तो मम्मी आप कहाँ जा रहे हैं? अब तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स लेना है और थोड़ा गुड़ भी लेना है। थोड़ा गुड़ क्या होता है? गुड़ और ड्राई फ्रूट्स लेना है। आप थोड़ा जोर से उधर किधर इधर बोलो जोर से। हाँ क्या लेने जा रहे हैं? ड्राई फ्रूट्स और गुड़ लेने के लिए जा रहे हैं। सो अभी बैडमिंटन का तो पूछ लिया, देयर लाइक अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी फिलहाल इट्स क्लोज्ड, थोड़े दिन में स्टार्ट करेंगे। अपना नाम और फ़ोन नंबर देखे जाओ। सॉरी आई गेव माई नेम एंड फ़ोन नंबर एंड केम,
तो जब स्टार्ट होगा तब बुलाएंगे दे सेड। आई एम लाइक रियली एक्साइटेड टू गो, देखते कब फ़ोन करते हैं। एंड फिलहाल अभी जा रहे हैं गुड़ और ड्राइफ्रूट चल रहे हैं, वॉकिंग चल के जा रहे हैं बिकॉज हमें जैसे भी वैसे भी वॉकिंग करना था आज, सुबह किया नहीं तो यही वॉकिंग हो रहा है। मम्मी मम्मी गुड़ लेने जाना था, हम इधर क्यों आए? सॉस चाहिए ऐसे बोल रही थी। मुझे सॉस बहुत पसंद आया, चीज़ी सॉस, तो मैं एक और लेने आ गई। सो अभी हम जाएंगे गुड़ लेने। इट्स अनहेल्दी बट स्टिल इट्स सो यम्मी, ट्रस्ट मी। एंड यार नीचे जाने का यही है ना, इट्स नॉट वर्किंग। ऊपर जाने का वर्क हो रहा है, नीचे जाने का इट्स नॉट वर्किंग। चप्पल खोल ना कोई, तो पता नहीं अभी हम आ गए हैं मनक में। वाह गुड़ अटिस्ट तो रखते हैं कुछ अटे है ना भाई, अटे अटे ही पड़े। सो आई जस्ट रिसीव्ड दिस पैन कार्ड, ऑनलाइन बनवाया मैंने, इधर ऑफलाइन तो बनी मतलब बनी नहीं रहा था। पापा दो बार जाके आए लेकिन वो बोल रहे थे कि सिस्टम में कुछ एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है वो भी नहीं बता रहे, सिर्फ ये बोल रहे कि एरर बता रहा है। सो मैंने ऑनलाइन बनवा दिया एंड पैन कार्ड आ भी गया, तो अभी मैं खोल सकती हूँ अपना बैंक अकाउंट। तो दिस इज़ माई ब्यूटिफुल लंच, कॉर्न का चीला, कॉर्न के पकौड़े खाने का मन हुआ इसीलिए कॉर्न का चीला बना दिया हेल्दी वर्जन, एंड शक्कर कंदी, स्वीट पोटैटो एंड छा वाओ। तो मॉम इज फीडिंग मी दिस स्वीट, आई थिंक विच इज हेल्दी, पता नहीं हेल्दी है क्या, हमें बहुत हेल्दी है, दूध और गुड़ है, रबड़ी है। डुबकी को हेल्दी हो या ना हो बस खाना है इसको, इसको खिला दिया है, पापा ने खिलाया, मम्मी ने खिलाया, अब मेरे भी एक बाइट रखेंगे, मेरे से भी, मेरे में जो है, मेरे में जो है उसमें से भी। कैसा है टेस्ट? बहुत अच्छा है। एक बाइट डुबकी का, इसके लिए वेट कर रही आके। ये नहीं खिलाना चाहिए मम्मी इसको, थोड़ा एक बाइट ही चाहिए। मुझे इतनी सारी मूली कद्दूकस करनी है। सो आई एम मैंने किचन में ही चेयर लगा लिया है एंड इधर बैठ के कर रही हूँ मैं, बिकॉज बहुत सारे मूली है एंड लाइक खड़े खड़े करूँगी तो हाँ आई फील वेरी टायर्ड, तो बैठने से ना थोड़ा कम टायर्ड यू नो फील होता है, आराम से हो जाता है काम। सो इसीलिए मैं बैठ के गाने चला के आराम से कद्दूकस करूँगी ना।